नमस्कार दर्शकों, मैं आकांक्षा एमएनएस न्यूज लाइव से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। नागपुर जिले के रामटेक तालुका के कचूरवाड़ी गांव के सरपंच शैलेश राउत, उनको गांव वालों ने बड़े बहरे में से पीटा। सरपंच ने गांव की एक महिला के पास शारीरिक सुख की मांग की थी। इस संबंध में फोन पर बात किए जाने की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद सरपंच को लोगों ने बड़ी बहरहमी से पीटा। उस संबंध में पीड़ित और सरपंच दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। जनता के सेवक की जनता ही ऐसा हाल कर रही है, ये सवाल आपको जरूर आया होगा, पर इसके पीछे कारण भी ऐसा ही है। ये युवा सरपंच को आधार कार्ड की मांग करने वाले महिला को उनके शारीरिक सुख की मांग की, मात्र ये मांग सरपंच को काफी महंगी पड़ गई। सरपंच को महिला के साथ की गई बात महिला के पति ने वायरल की। इतना ही नहीं, वो ऑडियो पूरे गांव को सुनाया। मी तुम्हाला म्हणलो ना, आधार कार्ड उडर सगळं बनव गुन्हा करून देतो, इलेक्शन लिस्ट मध्ये तुमच्या ना बनवून देतो ना, बनवून द्या ना आधार कार्ड। काय पण खूप आहे ना, मी आता 2-3-4 साड्या नेलो, आता 10-12 दिवस राहिलो, म्हणजे लग्न होता बाई। तुम्ही सांगा, या असा भांडण गावताना मला पटे ना, मी कुठेही निघून चालली जाईन ना, तुम्ही आपला बरा वाईट पाहिजे। कार्ड बनवून द्या पहिला। स्वतःना बोलते स्वतःनाच बोलते मध्ये म्हणते। अरे तो मतलब ये है, तुम्हाला समजत आहे का? तुम्ही भी आपला उल्लू सीधा करून घ्या। हॅलो, तुम्ही भी आपला उल्लू सीधा करून घ्या। बढिया मस्त चालेल, अर्ध्या चापटीचे मालक बनता तो चतराई करते का नाही, मी तुम्हाला चतराई सांगतो कसं करायचं। शुरुआत में महिला के पति के बारे में जिस प्रकार से बात हुई है, उस प्रकार से दोनों का परिचय पुराना है, यह निश्चय। इसका ही फायदा देखकर युवा सरपंच की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने फोन पर बात करके शारीरिक सुख की मांग की। मात्र ये बात पति के फोन से हो रही थी, ऐसा महिला का कहना है, और उस गुनाह की शिक्षा सरपंच को मिली। तो इस प्रकार सरपंच और महिला ने एक दूसरे के विरुद्ध में पुलिस थाने में यह मामला दर्ज करवाया। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।